अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आइटियंस चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि जिसको आप लोग यूज़ करते हुए बिना किसी ऐप के, बिना किसी पासवर्ड के, आप लोग किसी की गैलरी में मौजूद तस्वीर वगैरह और वीडियोज़ वगैरह को देख सकते हैं और उसकी गैलरी के अंदर मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट्स को भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को ट्रिक सीखनी है तो मुकम्मल देखनी पड़ेगी, इसके अलावा आप लोग वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए, अब आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता, आप लोगों का वक्त बहुत कीमती होगा, तो आप वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी गैलरी में जाके दिखा दूँ कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने गैलरी ओपन की तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरी गैलरी जो है, मेरा जो फाइल मैनेजर है, इसको पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि आप लोग इसको पासवर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा मैं आप लोगों को अपनी गैलरी में भी जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिए, गैलरी को पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के सामने इसको बिना किसी पासवर्ड के ओपन करूँगा। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने क्रोम में चले जाना है। क्रोम को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्रोम को ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च में लिखना है फाइल। इसके बाद लोगों ने साइन पर चले जाना है। साइन में आप लोगों ने रेशियो का साइन डालना है और आप लोगों ने 3 फॉरवर्ड स्लैश डालनी है और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है एसडी कार्ड। ठीक है, एसडी कार्ड लिखने के बाद आप लोगों ने फिर से स्लैश डालनी है। इसके बाद आप लोगों ने सर्च पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इंटर पर क्लिक कर दे या फिर सर्च के बार पर क्लिक कर दो। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे गैलरी थी, या फिर कह लो कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन था, उसके अंदर जो भी फोल्डर हैं, जो भी डाटा था, वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के फोल्डर हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ से हम लोगों ने आगे किस तरह से मूव करना है। ठीक है, हम लोगों ने आगे से किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो माई लोगों का फोल्डर है, इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर क्या चीज़ें सेव हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक इमेज स्टोर है। ठीक है, जिसका जो फॉर्मेट है PNG है। तो यहाँ पर मैं अब इस इमेज को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप लोगों को देखा कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने जो इमेज है वो ओपन हो गई। इसके अलावा आप लोगों को और भी चीज़ें बताता हूँ, आप लोग बैक चले जाएँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि डाउनलोड के फोल्डर में क्या है, यहाँ पर मेरे पास शायद वीडियोज़ भी हों, नहीं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, मुख्तलिफ तरह की बुक्स हैं जो प्रोग्रामिंग की हैं। ठीक है, तो इनको भी मैं आप लोगों के सामने ओपन करके दिखाता हूँ। या फिर ट्यून्स कह लो, ट्यून्स तो सॉरी नहीं ओपन कर सकते क्योंकि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। तो इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड, तो इसको डाउनलोड हो गया। या मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये देख लीजिए, यहाँ पर ये ओपन हो गया, ये डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट था यहाँ पर, ये बुक्स थी एक, तो ये ओपन हो गई। इसके अलावा आप लोगों को वीडियो का भी प्ले करके दिखाता हूँ। वीडियो को खैर मैंने प्ले नहीं करके दिखाया था, बाकी जो सारी चीज़ें थी जहाँ पे मैंने आजमाई हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल प्ले हो रही थी। तो यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जूम की, ये मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है। यहाँ पर हमारा जो आज का वेबिनार हुआ था उसके ऊपर ये वीडियो जो थी, ये यूट्यूब SEO के बारे में थी। तो आज की वीडियो थी, इसको मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है। यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल में भी सेव की थी। जैसे ही आप लोगों को पता है कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से वीडियो ओपन हो गई। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वीडियो जो है प्ले हो रही है। ठीक है, तो इसको आगे पीछे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बिल्कुल ओरिजिनल मेथड है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इसके अलावा आप लोगों ने इस वीडियो को दीगर सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करना है। शेयर का बटन नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।